ये चर्चाएं हो रही हैं गंभीर, जो बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं राम भरत जी को शिवनाथ सुने के पहले कह रहा था, वह जब थे मिसाइल गश्ती में तो इस तरह का आयोजन किया करते थे। अब तो पता नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैं नहीं जानता, सुनने को तो बहुत नहीं मिलता है। लेकिन दर्शन साइज जैसी छोटी जगह जहाँ से राम भरत जी हम रविंदर सब आते हैं, एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट कॉलेज में इन्होंने चर्चा आयोजित की, जो मेरे लिए स्थानीय होने के कारण प्रसन्नता का विषय सिर्फ नहीं है, बल्कि ये इस बात को दर्शाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सीमित साधनों में भी हम आज की विपरीत परिस्थितियों में भी सामाजिक मुद्दों पर बहस करा सकते हैं, विचार ले सकते हैं, आधार तैयार कर सकते हैं उन नीतियों का जो समाज को आगे ले जाती हैं, समाज को ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो इसलिए रेखा जी, मैं आपको और आपके पूरी टीम को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ आपके पूरे विद्यालय को, और ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जहाँ तक विषय का सवाल है, यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ही गंभीर चर्चा का विषय नहीं बन गया है, समाज व्यवस्था में भी इसकी चर्चा हो रही है। और उससे भी बड़ी बात है, जो तीसरा पिलर है इंडियन स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट, वहां भी ये मामला इस कसम का मुद्दा बन गया है, लड़ने की अपेक्षा की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। इसमें पोटेंशियल है सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का और सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज का, और अगर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें पोटेंशियल है चेंज ऑफ गवर्नमेंट का, संभव है इसका आने वाले चुनाव पर व्यापक असर पड़े। किस दिशा में असर क्या होगा ये आउटकम, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका रहेगा। तो जो इतना अहम मुद्दा हो कि अगर उसको आप अत्यंत ही छोटे दायरे में देखें तो गवर्नमेंट के बदलने की संभावना हो सकती है, और व्यापक अर्थ में देखें तो सामाजिक आर्थिक